जिसको वोट डालना हो डाल देंगे हम तो अपना वोट। सरकार सब कुछ दे रही, कुछ नहीं जा रहा है, रोड नाली पानी सब है। हम अल्लाह ने हमारे हाथ तैर दिए और हम कमा के खा सकते हैं, हमें कोई सरकार की जरूरत नहीं है। जब कहीं की भी सरकार आ जाए, सरकार सिर्फ अपनी जेब भरती है, कोई सी भी सरकार आ जाए। देवराज सिंह चौहान जिंदाबाद। और जाएगी छुरी, जाएगा नमक और जाएगा पपीता। मेरी दो लड़की है, उनकी लाडली योजना में नाम कब दिखा रहा है? आंगनबाड़ी वाली भगा देती है, अपना काम कर को रख। कोई लाडली बेलना काय की लाडली बेलना, कोई बेला बेला नहीं भाई। काय का टैक्स देते, नाम टैक्स देते ना, बिजली का बिल भरते, कोई दिक्कत नहीं है हम लोग। अरे कोई समझदारी नहीं है हम लोग के अंदर भाई, दादे बोले हम लोग। मेरा वोट मेरी आवाज की यात्रा पहुंच चुकी है भोपाल के नरेला इलाके में, यानी वो क्षेत्र जहां पर चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग और मनोज शर्मा कांग्रेस की तरफ से उम्मीदवार हैं और इस विधानसभा चुनाव में दोनों मैदान में हैं। मैं इस वक्त कृषि मंडी के अंदर जाने के लिए खड़ा हूं और आपको मैं बताऊंगा कि कृषक, सब्जी मंडी और यहां के जो छोटे व्यापारी हैं जो रेहड़ी पटरी पर लगाते हैं, उनके क्या हालात हैं, उन्होंने क्या सोच रखा इस चुनाव के बारे में, और उनको आने वाली सरकारों से और मौजूदा सरकार से क्या मिला और आने वाली सरकार से क्या उम्मीदें हैं, इसको जानेंगे। क्या है अंदर का राज, सब कुछ बताऊंगा। आइए, इस सब्जी मंडी के कुछ व्यापारी और कुछ ग्राहक हमारे साथ में हैं। अच्छा, ये बताइए क्या मुद्दे हैं इस मंडी के, चुनाव आ गया, क्या चाहते हैं आप लोग सरकार से, क्या होना चाहिए, क्या मुद्दे हैं आप लोगों के? हैं, अच्छा हाँ, क्या क्या माहौल है? माहौल बहुत ख़राब चल रहा था, धंधे पानी चल नहीं रहे। हाँ, और क्या क्या कर रहे हैं, एक दिन भरते हैं, दो तीन दिन बेचते रहते हैं सामान। तो क्या दिक्कत क्या आ रही है? कुछ नहीं, ग्राहक ही नहीं। अच्छा, क्या मुद्दे हैं मंडी की, समस्या है? अरे यही है कि धंधे पानी चले, और क्या, धंधे पानी नहीं है अभी, बिक्री बट्टे नहीं हो रहा अभी। हाँ, तो सरकार से कुछ मांग है? मांग यही है कि अपने स्थायी दुकानें हो जाएं, काम धंधे चलने लगे, और क्या, परेशान ना करें हम लोगों। अच्छा, कोई परेशान करता है आप लोगों को? हाँ, ठेले मेले नहीं लगाने देते। आप क्या करते हैं भैया, क्या इस बार चुनाव आ गया है, क्या मुद्दे हैं इस बार, क्या चाह रहे हैं आप लोग सरकार से? सरकार सब कुछ दे रही, कुछ नहीं चाह रहा है, रोड नाली पानी सब है, और क्या। शिवराज सिंह चौहान जिंदाबाद। अच्छा हाँ, शिवराज इस बार फिर से आ रहे हैं? फिर से आएंगे। हाँ, विश्वास सारंग भी आएंगे, शिवराज सिंह चौहान भी आएंगे। अच्छा, और क्या क्या चाहिए, कमी काय की ये बताओ, हमें तो कोई कमी दिख ही नहीं रही, मेहनत कर रहे खा रहे। भाई मेहनत, साइड में आ जाइए। अच्छा, ये कह रहे हैं कि जो विश्वास सारंग फिर से आ रहे हैं, बीजेपी आ रही इस बार, क्यों भैया, बीजेपी फिर से आ रही है इस बार? भाई इसमें कुछ कह नहीं सकते, 50% दोनों का पल्ला भारी है। अच्छा हाँ, अच्छा ये बताओ, ये कह रहे हैं कि सब कुछ ईंट मतलब सड़क पानी बिजली सब कुछ हुआ है कहाँ पे, यहाँ पे? हाँ, यहाँ पे और हर जगह। हाँ हुआ है ना, हुआ है। सड़क भी हुआ, बिजली भी हुआ, पानी सब व्यवस्था अच्छी हो रही है। नारी सम्मान वाली जो निधि मिल रही है, वो लाडली बहना वाला मिल रहा है घर में? मिल रहा है ना, आपको भी मिल रहा है? जी, हमें नहीं मिल रहा है। महिलाओं को मतलब किसी को मिल रहा है, किसी को नहीं मिल पा रहा है, किसी के फॉर्म भरे नहीं है, किसी के फॉर्म भर गए हैं, ये स्थिति है। साढ़े बारह सौ आप जब आ गए, और क्या, अभी इस दान नहीं आएंगे, अभी इस दान पता नहीं आएंगे कि नहीं आएंगे, इस दान चुनाव है। अच्छा, आएंगे कि नहीं आएंगे, अब आप बताओ जानकारी। अब आप बताओ कि शिवराज के ऊपर भरोसा है ना, तो शिवराज मामा तो देंगे ना? नहीं, शिवराज मामा आएंगे तो फिर 1250 भी आएंगे, 3000 भी आएंगे, ऐसी कोई बात थोड़ी है। शिवराज मामा आ रहे हैं कि इस बार नहीं आ रहे हैं? देखो भाई, वे अपने हिसाब से इतना बड़ा तो दलू सर, आप लोग हमारे में बढ़ो तो सर, ये आप लोगों को सोचना चाहिए। अच्छा, इस बार क्या माहौल है मंडी का, क्या स्थिति है, और गवर्नमेंट का क्या होने वाला है? गवर्नमेंट का मतलब कैसा, आप क्या चाहते हैं, क्या पूछना चाहते हैं? ये चुनाव आ गया है, क्या मुद्दे हैं इस बार के, और किसको, किसकी तरफ भोपाल की जनता और इस इलाके की जनता चाह रही है? देखिए, मध्य प्रदेश में तो क्या है, जो विकास हो रहा है, विकास की तरफ लोगों का रुझान है, और अन्य योजनाएं जो मध्य प्रदेश सरकार ने दे रखी हैं, उससे तो ये लगता है कि दोबारा फिर बीजेपी की सरकार बनेगी। अच्छा हाँ, क्योंकि विकास की स्थिति जो शहर में आज से, अरे हम तो दूध लेके आते हैं, गांव-गांव में रोड है, 500 से दूर तक रोड है इस क्षेत्र में, जहाँ कभी नाली रोड बिल्कुल खानी पहले, जहाँ कभी इस क्षेत्र में पैदल चलने को रास्ता नहीं था, उस जगह पक्के रोड बन गए। इस क्षेत्र में, इस क्षेत्र में मंडी के विकास के लिए इतना बड़ा ये जो
पुल का निर्माण किया है, ये बहुत बड़ी सब एक घंटे जाम में खड़े रहते थे, एक पुलिया व्यवस्था एक एक दो दो घंटे इसमें खड़े रहते थे, इतने इतने पानी में से निकलते थे। अभी इसी बरसात में अब ये ब्रिज चालू हो गया है, जब से बिल्कुल बिंदास सीधे आओ और सीधे उतर के जाओ। ये कह रहे हैं, ये लोग कह रहे हैं कि इस बार बहुत विकास हुआ है बीजेपी की सरकार में, इस बार क्या लग रहा है चुनाव में क्या होने वाला है? साहब बीजेपी की सरकार बनेगी इस साल फिर से जी। अच्छा अकरम अकरम जी। अच्छा सब्जी मंडी की व्यवस्थाएं ठीक हैं शिवराज सरकार में? सही है। अच्छा अच्छा विकास हो रही है। अच्छा तो आपके यहाँ लाडली बहना का लाभ मिला, सड़कें अड़के बन गई? तो हाँ बन गई ना, सड़कें भी बनेंगी लेकिन अभी क्या है लाडली उसका तो मिल गया। अच्छा उसको मिल गया। अच्छा आपके यहाँ भी विकास की हुआ है बढ़िया अच्छे से, क्या माहौल है इस बार चुनाव का? चुनाव का बढ़िया माहौल है। कौन जीत रहा है इस बार? रिजवान रिजवान भैया विश्वास सारंग। अच्छा और आपके यहाँ से? जा भैया साहब भाई जीते भैया आए सामने, हमें क्या मालूम है क्या अंदाज भाई, काम जो काम करवाएगा वही जीतेगा। इस सरकार में तो काम हुआ है, ये बता रहे हैं कि इस सरकार में तो काम हुआ है। काय काम हुआ, गरीब लोग भगा रहा और अमीर लोग उठा रहे, काय काम हुआ है, काय उठा रहा है? कह रहे हैं कि लाडली बहना का योजना हुआ, सड़क बन गई, नाली बन गई, सब बन गया, 1000 रुपए घरवालियों के खाते में आ रहे हैं, घरवाली अपन आराम से बैठे हैं, फ्री की जनता को सरकार का गल्ला मिल गया है। कोरोना के टाइम पे अपन को जिस टाइम पे लोग भूखों मर रहे थे उसने सरकार ने किसको मिला, किसको मिला गल्ला दिया? अरे किसको मिला है? अरे गल्ला केंटो किसको कहां से गल्ला नहीं मिला है? अपन क्या लाइन लगाने बैठे थे, अभी तुम्हारी घरवालियों के नाम से 1000 रुपए और 27 1200 रुपए खाते में आ रहे हैं। नहीं आप कह रहे हो कि आपके यहाँ इनके नहीं आ रहे हैं ना, अपने खाता भरो, उसके डॉक्यूमेंट भरो, उसकी फॉर्मेलिटी पूरी करो, पैसा आएगा पूरी कॉलोनी में। देखो जाके कौन नहीं आ रहा है, तो इनको भी तो बोलने दीजिए, इनके नहीं हुए ना, इनकी समस्या भी जरूरी है। हमारे तो आई नहीं रहा, कुछ भी नहीं मिला ना। कहाँ पे? सिंगार नगर में। कैसे? कोई देखने नहीं आ रहा हमारे। कैसे तुम कहाँ रहते हो? सिंगार नगर। सिंगार नगर कहाँ है, कौन से कहाँ है? अच्छा ये बताइए सड़क कड़क बनी है आपके की नहीं बनी है? अरे सड़क सड़क बनी आपके नहीं बनी? नहीं बनी ना। नहीं बनी? नहीं बनी। अच्छा इधर, अच्छा इधर इधर ये बताओ आपके यहाँ, आपके यहाँ लाडली हम कुछ भी नहीं लेते, 1 रुपए चवन्नी नहीं खाते किसी की, हम अल्लाह ने हमारे हाथ तेड़ दिए और हम कमा के खा सकते हैं, हमें कोई सरकार की जरूरत नहीं है। नहीं तो सरकार तो आएगी, चुनाव चुनाव है, जिसको वोट डालना हो डाल देंगे हम तो अपना वोट। अच्छा नहीं जो... हमें किसी की जरूरत नहीं है को कमाई। अरे नहीं हम लोग खुद बना लेते अपने रोज, आ रही है जानते नहीं अपन क्या होती है। अरे कोई समझदारी नहीं है हम लोगों के अंदर भाई, गाधे घोड़े हम लोग, गाधे घोड़ों की जिंदगी जी रहे वो जीते रहेंगे। अच्छा हमको ये तो बताओ, अरे ये बताओ कि लाडली बहना का लाभ मिला घर में? नहीं मिला। कोई लाडली बहना काहे की लाडली बहना, कोई बहना मिलना नहीं भाई, कोई वो तो सब भैया बहनों को सबको मिल लिया है, हम लोग नहीं करवाते भाई, ना हमें करवाना है। क्यों? अरे सरकार दे रही, सरकार का लेने में क्या नहीं, काहे की दिक्कत है? वोट देते हो टैक्स देते हो? काहे का टैक्स देते, नाम टैक्स देते ना बिजली का बिल भरते हैं, कोई दिक्कत नहीं है हम लोगों को, बिंदास जीते हम तो भाई, लाइट काटते लगाते तार। अच्छा आपके यहाँ ये बताओ कि आपके यहाँ लाडली बहना का लाभ मिल रहा है लोगों को? अरे साहब अभी आज तक मिला ही नहीं है, जो अब मिलेगा न, कहीं की भी सरकार आ जाए, सरकार सिर्फ अपनी जेब भरती है, कोई सी भी सरकार आ जाए, समझ में आ गया आपके, सरकार सिर्फ अपनी जेब भरती है, आम आदमी का नहीं देखती, गरीब को और गरीब जब कब बनाती है सरकार, और अमीर को और ऊपर उठाती है, आसमान आसमान छू आसमान छू लेता है अमीर आदमी, और गरीब माकड़ा इतना गिर जाता है कि सर टकरा टकरा के मर जाता है, लेकिन कोई आगे नहीं देखता कि कोगा तुम्हारे घर में कितना नमक है, कितना आटा है, कितना तेल डल लिया है। सरकार करे कि हम फ्री में आटा दे रहे हैं, अब सड़कें बना रहे हैं, नाली बना रहे हैं, वो तो करना पड़ेगा ना भाई, वो तो करना पड़ेगा क्योंकि उनको तो आगे चल के बनाना है सरकार। आप कह रहे हो कि कुछ मिली नहीं? वो तो अब नहीं, गेहूँ तो मिल रहा है, चावल भी मिल रहा है, ये तो उनको क्या, उनके सर के उस्ताद भी आ जाएंगे, उनको भी करना पड़ेगा क्योंकि इतनी सारी जनता है, कोई गरीब है कोई अमीर है। वो कह रहे थे कि हमको मिल रहा है, कौन वो भी मना कर रहे थे कि हमें भी नहीं मिल रहा। अच्छा आपके मिल रहा है? बिल्कुल मिल रहा है। अरे भाई से बात करिए इधर, इधर भाई से बात। अब ये कह रहे मिल रहा है, भाई से बात करिए इधर इधर।
सब यार गंदगी इधर करो। हमारे घर में हमारी मम्मी हॉस्पिटल में भर्ती हैं, कोई आके नहीं पूछा। अब उनको वोट डालना कैसे डालेंगी वोट? मैंने कल अभी डॉक्टर से बात करी सुबह के, भैया उनको वोट डालना 12 तारीख को, फर्ज है हमारा वोट डालने का, किसी पे हमारा वोट खराब नहीं जाए। तो मालूम है डॉक्टर, हाँ। डॉक्टर क्या बोला कि हम यहीं से ही वोट डलवा देंगे, यानी इतनी भी बस की नहीं है उनकी कि चलने की। ये देखो पपीता और ये लेके जा रहा है, ये की प्लेट और ये की छुरी, ये का नमक और ये का पपीता। अभी दोल बोल लेके जा रहा, तो कहीं का नेता आके ये कहते कि कोगा क्या लेके जा रहा, कौन बीमार है तुम्हारे घर में, कोई नहीं आता। हम अपने ये कह रहे सारे लाभ मिल रहे हैं, हम अपने कंधे पे रख के बंदूक चलाते हैं, कोई नेता आ जाए हमारे पास। बदतमीजी नहीं बेटा, बदतमीजी नहीं कर। अच्छा ये बताओ आपके यहाँ लाभ मिल रहा है योजनाओं का, इन सब का? सब मिल रही है, सब मिल रही है। अच्छा और आपके यहाँ? मैं नदीम भाई से पूछिए, आपके यहाँ मिल रहा है सब? हाँ मिल रही है। अच्छा ये सड़क कड़क सब ठीक है आपके यहाँ? इस बार चुनाव में क्या सोच रहे हैं आप लोग, किसका जोर चल रहा है? अभी तो फिलहाल में किसी का ही नहीं दिख रही है। हाँ। किसी का दिख ही नहीं रही है अभी। क्यों? महिलाओं को, महिलाओं का काम हो रही है, आदमियों का क्या हो रही है? आदमी का हो रही है भाई, मेरी दो लड़की हैं उनकी लाडली योजना में नाम कब लिखा रहा है? आंगनबाड़ी वाली भगा देती है, अपना काम कर घोरा के। हाँ। और क्या कि ये इंजेक्शन लगवा लो, वो इंजेक्शन लगवा लो, काम हो जाएगा आपको। और बाद में कहते हैं कि लाडली योजना में नाम क्यों नहीं लिख रहा, तो कहते नहीं लिखाएगा वो आपकी चार लड़की है, एक आदमी लिखाएगा। चार लड़कियों का नहीं हो रहा क्या? क्या मतलब क्या? माना कर रही है आंगनबाड़ी वाली मैडम है कि नहीं लिखा है। तो बाकी सड़क कड़क ये सब ठीक है? हाँ ये तो ठीक, वो भी वहाँ तक ठीक है जहाँ तक उनके वाले रह रहा है, हमारे घर तक ठीक थोड़ी ना। उनके वाले मतलब? उनके वाले मतलब जो उनके कार्यकर्ता वाले रह रहा है ना वहाँ पर। अच्छा। जैसे इनके कार्यकर्ता हैं, ये कार्यकर्ताओं के घर है, मत वहीं तक रोड बन लेगा आपको, आगे नहीं मिलेगा, क्योंकि आगे उनके कार्यकर्ता वाले नहीं है ना, वहाँ कहाँ से मिलेगा। किस इलाके में है आप? ये करोद में। किसका कौन विधायक है? विधायक आपके वाइट नंबर 77 का अभी कोई मैडम है, लेडीज हैं। कृष्णा कौर? और विश्वास सारंग के एरिया में भी आता है। विश्वास सारंग में भी, उसमें भी विकास नहीं हुआ? खाली वहीं तक हुआ जहाँ के उनके काम करने वाले रहते हैं कि आज विश्वास सारंग आएंगे तो अपन को स्वागत करना है उनका, बस वहीं तक होगा जहाँ तक उनका घर है, उसके आगे नहीं होगा। और आपके यहाँ? हमारे यहाँ तो पूरा विकास हुआ है, पूरा कार्य हुआ है, विश्वास सारंग जी ने पूरा काम किया हुआ है। हमारे नहीं हुआ, हमारे हुआ पूरा काम, तो हुआ पूरा काम। मैं कार्यकर्ता नहीं हूँ, मैं सेवक। यही कह रहे हैं भाई, जो काम करेगा मैं उसको वोट दूंगा। बानी विश्वास सारंग जी ने बहुत काम किया, उनका आभार है हमारे ऊपर। समस्याएं सबके साथ में है, लेकिन हाँ कुछ लोग कह रहे हैं कि खूब विकास हुआ है, वही कुछ लोग अभी भी सरकार से असंतुष्ट। लेकिन अब चुनावी वक्त है तो देखना होगा कि ऊंट किस करवट बैठता है और जनता किस पर अपना विश्वास जताती है। कैमरा पर्सन फुरकान के साथ कुलदीप द्विवेदी, वन इंडिया हिंदी।